सांसें रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के मुंह से छीनी जीत। श्रीलंका के मुंह से रिजवान ने ऐसा खींचा, हारा हुआ मुकाबला किसी को नहीं था यकीन। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से दी करारी मार, ले लिया एशिया कप का बदला। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 8वें मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हुआ और मैदान हैदराबाद का था। टॉस जीतकर दासुन शनाका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो कि टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रम की शतकीय पारी की मदद से श्रीलंका ने 344 रन का स्कोर बना डाला। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 6 विकेट और 10 गेंदे शेष रहते जीत भी हासिल कर ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंका की टीम को प्रथम निशंका ने प्रभावशाली पारी खेली। उन्होंने अशतक जड़ते हुए 61 गेंदों पर 51 रन बनाए। दूसरे सलामी बल्लेबाज कुशल परेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया। उनके अलावा सदीरा समर विक्रमा ने 89 गेंदों का सामना कर 108 रन बना डाली। हालांकि सदीरा समर विक्रमा के आउट हो जाने के बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका। सदीरा और धनंजय डिसिल्वा ने 66 गेंदों पर 65 रन बनाए। धनंजय डिसिल्वा 25 रन बनाकर आउट हो गए। दासुन शनाका ने 12 रन और दुनित वेलालागे ने 10 रन बनाए। चरिता सलंका और मतीसा पतिराना ने 1-1 रन बनाया। पाकिस्तान के लिए हसन अली ने 4 विकेट लिए। उन्होंने कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सतीरा सबर मिक्रवा और चरिता सलंका को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके अलावा शाहीन शाह, अफरीदी, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ और शादाब खान को 1-1 विकेट मिली। श्रीलंका की पारी के 7वें ओवर के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग में बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना ही पड़ा। दरअसल 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाहीन अफरीदी ने कुशल मेंडिस को 1 गेंद डाली, जिस पर उन्होंने कवर ड्राइव की दिशा में एक शानदार शॉट चढ़ दिया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का छूकर स्क्वायर की ओर चली गई। हालांकि वही फील्डिंग कर रहे इमाम उलक कैच लपक नहीं सके, कुशल मेंडिस को अच्छी वरदान मिल गया। इसके बाद कुशल मेंडिस ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 77 गेंदों पर 122 रन बना डाले। इसी के साथ उन्होंने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में श्रीलंका के लिए अब तक का सबसे तेज शतक भी जमाया। कुशल मेंडिस ने 65 गेंदों पर अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर का तीसरा शतक पूरा किया। इतना ही नहीं, कुशल मेंडिस ने पाथुम निसंका के साथ मिलकर 102 रन और सदीरा समर विक्रमा के साथ 111 रनों की साझेदारी भी की। श्रीलंका के द्वारा दिए गए टारगेट को चेज करते दौरान पाकिस्तानी टीम की शुरुआत काफी खराब रही। पावर प्ले में ही टीम ने बाबर आजम और इमाम उलहक जैसे बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। इमाम उलहक 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम 10 रन ही बना सके। हालांकि इन दोनों के पवेलियन लौट जाने के बाद सलाइम बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने पारी को संभाल लिया। उन्होंने शतक जड़ते हुए 113 रन बनाए और इनका साथ मोहम्मद रिजवान ने बखूबी निभाया और दोनों के बीच 176 रनों की साझेदारी हुई। अब्दुल्ला शफीक के अलावा मोहम्मद रिजवान के बल्ले से भी ताबड़तोड़ शतक निकला। इसी के साथ वे पाकिस्तान के लिए पिछले 4 साल में नंबर 4 पर शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले वे दूसरे बल्लेबाज हैं। और रिजवान की शतकीय पारी के भूते पाकिस्तान इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत सका। तो आप भी पाकिस्तान की इस जीत पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।